ओके नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपी में जो बीएड की प्रवेश प्रक्रिया है उसका जो तृतीय चरण है, जो कि लास्ट चरण होता है हमारे बीएड में एडमिशन के समय एमपी में। जनरली हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में जो बीएड की एडमिशन यानी कि प्रवेश प्रक्रिया है उसका तृतीय चरण क्या क्या है और किस स्टेप को फॉलो करते हुए हमें, किस चरण को फॉलो करते हुए हमें एडमिशन प्राप्त होगा, उन चरणों पे हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल से समझेंगे इन चरणों को, इन स्टेप को स्टेप बाय स्टेप। आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप गृहिणी हो या आप हाउसवाइफ हो या कोई भी गर्ल्स लेडीज बॉयज, जिसको भी बीएड करना है उसके लिए पर्सनली ये वीडियो जो है रिकमेंडेड है। आप अगर कोई बच्चे हैं जो बीएड करना चाहते हैं उसको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, इस चैनल को अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में एजुकेशनल या एजुकेशनल प्रोसेस में आने वाली दिक्कतें को, जो भी समस्याएँ होती है उसको सॉल्व करते हुए जो भी हम वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँच सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। हम लोग बेसिकली बात करेंगे एम पी बी एड प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। दो चरण ऑलरेडी निकल चुका है, ये 2022 के जून में जो ये प्रोसेस चल रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जो तृतीय चरण अभी स्टार्ट होने वाले हैं, नवीन जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराने का जो पुनः वेबसाइट ओपन होगा, लिंक एक्टिव होंगे वो 7 से लेकर 13 तारीख तक, यानी कि जून में 7 से 13 तारीख तक नवीन पंजीकरण करा सकते हैं नए बच्चे जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। जो ऑलरेडी फर्स्ट और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन ये प्रोसेस नहीं है, उसके लिए ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं संस्थाओं का चयन से, क्योंकि उसको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज नहीं मिला होगा किसी भी वजह से तो वो डायरेक्ट इस स्टेप से कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नए बच्चे हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, नए रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कई सारे स्टेप्स हैं, उस इस सिर्फ पार्टिकुलर इस स्टेप के अंतर्गत भी कई सारे स्टेप्स हैं जिसमें आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ठीक है, और नाम वगैरह सब कुछ फॉर्म को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप फिल करना होता है, उसके बाद पेमेंट करने होते हैं। चलिए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप और किस डेट को ये सारे काम होंगे। नए रजिस्ट्रेशन होंगे हमारे 7 से लेकर 13 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, ये फाइनल डेट है, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ेगा। मे बी अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग तक जरूर शेयर करूंगा। ठीक है, बट ये फाइनल दिया गया है डिसीजन यूनिवर्सिटी के लिए अभी, और ये लास्ट चरण बताया गया है। इसके बाद अगर सीट वैकेंट रह जाती है किसी कॉलेज में तो आप डायरेक्ट उस कॉलेज में स्पॉट राउंड पर जा सकते हो। बट चलिए पहले हम इस चरण को समझते हैं। पहले आपको ये 7 से 13 तक नवीन नए जो बच्चे हैं वो पंजीकरण कराएंगे, उसके बाद आप पंजीकरण करने के बाद संस्थाओं का चयन करेंगे, यानी कि किस संस्था में आपको एडमिशन लेना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम आप जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज है ग्वालियर में, ऐसे ही बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज हैं भोपाल में, और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उस कॉलेज को हमें चयन करना होता है, सिलेक्ट करना होता है कि हमें इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो वो संस्थाओं का आपको चयन करना होगा स्टेप टू में। नेक्स्ट स्टेप आएगा थर्ड स्टेप, जिसमें कि दस्तावेजों का सत्यापन होगा, ये 10 से लेकर 15 तारीख के बीच में ये प्रोसेस चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको मेरिट एवं सीट आवंटन होगा। पहले मैं इस स्टेप के बारे में बता दूं, स्टेप थर्ड के बारे में, दस्तावेजों का सत्यापन या तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। ऑनलाइन उसी बच्चे का नहीं होगा जिस बच्चे का जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है रजिस्ट्रेशन के टाइम उसमें अगर क्लियर स्पष्ट पढ़ने योग्य शब्द नहीं है, आपका ब्लर आ रहा है डॉक्यूमेंट, तो आपको ये ऑफलाइन जाकर के आपको एक सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर पे जाकर के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बट अगर आपने नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, जो पढ़ने योग्य नहीं डॉक्यूमेंट रहेगा, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ही आँख बंद करके पंजीकरण कर देते हैं, ब्लर फोटो अपलोड कर दिया, ब्लर मार्कशीट अपलोड कर दिया, है ना, तो उस बच्चे को ऑफलाइन जाकर के कराना पड़ेगा, परेशानियां आएगी उस बच्चे के लिए, कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं, अगर परेशानियां आएंगे तो हम लोग कब काम आएंगे, हम लोग उसी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए आते हैं, बच्चों के जो बीच में परेशानियां होती हैं। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मेरिट एवं सीट का आवंटन होगा आपको 17 तारीख को, 17 जून की बात कर रहा हूँ 2022, 17 जून को ये मेरिट एवं सीट का आवंटन होगा। उसके बाद जस्ट आपका जो आवंटन जैसे ही होता है, आप अपना आवंटन पत्र जिसको हम लोग अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं इंग्लिश में, उस अलॉटमेंट लेटर को आप डाउनलोड करेंगे, और उस डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे डायरेक्ट कॉलेज, जिस कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है सीट, उस कॉलेज में आप फीस भुगतान करेंगे। फीस कितना भुगतान करेंगे ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों का। मैं प्यारे बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, एक साल का जो फी होता है उसका जो 50% होता है वो हमें फर्स्ट टाइम भुगतान करना पड़ता है। लेट मी अज्यूम कि अगर किसी कॉलेज का फीस अगर 80,000 है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का फीस कितना होगा 40,000 और सेकेंड ईयर का 40,000, तो 40,000 का 50% कितना हो गया, यानी कि 20,000 रुपया आपको भुगतान करना पड़ेगा, देन यू विल गेट एडमिशन ऑन दैट कॉलेज। ओके राइट, तो ये प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। फिर यहाँ से आपको चलते हैं नेक्स्ट आगे, जैसे ही आपने फीस का भुगतान कर दिया, ये फीस का भुगतान आप घर से बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आप जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उसको आप डायरेक्टली पे कर सकते हैं, या डायरेक्ट कॉलेज को भी पे कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे आते हैं, उसके बाद आपको टीसी माइग्रेशन प्रस्तुत करना होता है कॉलेज में ले जा करके, ये प्रोसेस कंप्लीट करते ही आपका एडमिशन यहाँ पे सुनिश्चित कर दिया जाता है, सुनिश्चित मान लिया जाता है। जैसे ही आपने ये दोनों पे मैंने स्टार लगा दिया है, बिकॉज ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक तो आप बच्चे आ जाओगे, आवंटन तक बहुत बच्चे आ जाते हैं, बट यहाँ पे और यहाँ पे आकर के बच्चे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं क्योंकि वह फीस का अरेंज नहीं कर पाता है या टीसी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये दोनों चीज आपके पास पहले से ही क्लियर होनी चाहिए कि फीस आप कम से कम 20-25,000 अरेंज करके रख लीजिए, ठीक है। टीसी और माइग्रेशन को जो है कॉलेज से आप जहाँ पे पहले पढ़ते थे ग्रेजुएशन में या 10th-12th में, वहाँ से आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आप या तो बहुत सारे हमारे माताएं बहनें जो हैं बीएड करती हैं, डीएलएड करती हैं, बहुत सारे भाइयों भी करते हैं बीएड डीएलएड वगैरह वगैरह, क्योंकि टीचिंग फील्ड में सबको इंटरेस्ट होता है, मैक्सिमम लोगों को, मे बी सबको नहीं कह सकते बट कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है, बट महिलाओं की ये फेवरेट फील्ड है। अगर इस सारे स्टेप को कुछ दिनों के अंतर्गत आपको जाना है, आप घर में काम कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, या आप कोई वर्किंग पर्सन है, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन आपके बिहाफ पे अगर मैं करूं आपके लिए ये सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए, आपका एडमिशन कराऊं, आपके लिए सारे बुक्स वगैरह का भी अरेंज करके आपके घर तक पहुंचाऊं, आपके लिए सारे समस्याएं जो आती है इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते समय, सभी प्रोसेस से गुजरते समय, उन सभी समस्याओं को सॉल्व करूं, जैसे कि दस्तावेज सत्यापन में काफ़ी सारी समस्याएं आ जाती है ना, कभी कभी अलॉटमेंट में समस्याएं आ जाती है, अलॉटमेंट में तो बहुत कम समस्या आती है, दस्तावेज सत्यापन में कभी कभी ज़्यादातर समस्या आती है, कॉलेज का चयन कैसे करना है बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है, और जो व्यक्ति नया है उसके लिए तो रजिस्ट्रेशन करना तक भी मुश्किल हो सकता है, उसको सबसे पहले वेबसाइट नहीं पता चलता है कहाँ से करना है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपली बता दूँ, जो एमपी के ऑथराइज्ड, एमपी ऑनलाइन के ऑथराइज्ड सेंटर होते हैं वहीं से ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप अनऑथराइज्ड हैं तो कर सकते हैं, वो डिफिकल्ट होता है उनके लिए ज़्यादातर, ठीक है। तो ऑथराइज्ड सेंटर्स पे जाकर के ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे बच्चों को जो गृहिणी है, जो घर में काम करती हैं, महिलाएं हैं, अपने बच्चे को संभाल रही हैं, वो बीएड कर रही है, या कोई लड़का है वो जॉब कर रहा है, या कोई स्कूल चला, कोई स्कूल में पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, या कहीं ट्यूशन पढ़ा रहा है, या कुछ भी एनीथिंग एनी वेयर अगर कोई काम कर रहा है, प्राइवेट वर्क कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ से गुजरना, ये सारे मत्था पे जिस दिमाग में पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए क्या काम करता है, एक काउंसलर काम करता है, एक मार्गदर्शक काम करता है, जिसको आप अपनी मार्गदर्शक बोल सकते हो, ठीक है। आप उसको ये सारे प्रोसेस करने के लिए देते हो, उसके बदले में वो अपना कुछ चार्ज करता है, अपना कुछ जो कॉलेज का फी होता है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ ना कुछ 10,000-12,000 या जो भी चार्ज है उसकी अपनी 5,000, उसकी इच्छा हो तो वो आपको 2-3,000 में भी कर दें ये सारे प्रोसेस कंप्लीट। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर ये खुद से यह सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे आप अपने एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और बहुत बार धांधली होने से भी बचेंगे। लेकिन आप अगर किसी पे ट्रस्टेड आदमी है, कोई जान पहचान है, आपके परिजन है, या जैसे कि मैं, आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, और हमारा सारा हम क्या है, हम ये सभी प्रोसेस से गुजरे हुए हैं ऑलरेडी, तो हमें इन सभी प्रोसेस के बारे में काफ़ी नॉलेज है और अवेयर है इन सभी प्रोसेस के बारे में, तो आप मुझ पर ट्रस्ट करके ये सारे प्रोसेस अपनी कंप्लीट करवा सकते हैं। इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे जरूर चार्ज करेंगे, क्योंकि हमने जो आपके लिए टाइम दिया है, आपके लिए इतने सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी काम को छोड़ करके किए हैं, तो उसके लिए हमें तो बनता ही, मतलब कि आपको पे करना चाहिए, राइट, जिसमें हमें भी खुशी होगी और आपका भी काम आसान हो जाएगा, दैट्स इट। और
विशेषकर आपको अगर मन में कोई सवाल हो एडमिशन को लेकर के, एडमिशन कब तक कंफर्म लास्ट हो जाएगा, तो लास्ट डेट देखिए 22 से 25 तारीख तक लास्ट डेट है। शुल्क फी जमा करते ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, टीसी माइग्रेशन प्रस्तुत करते ही आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ओरिजिनल टीसी माइग्रेशन आपको जमा करना होता है, डुप्लीकेट या सर्टिफिकेट या जीरोक्स कॉपी नहीं चलेगा, दैट्स इट। ओके, तो आई होप कि ये लास्ट मोमेंट है आपको बीएड में एडमिशन के लिए। 2022 सेशन से लेकर के 2024 सेशन में बीएड डीएलएड या कुछ भी आप करना चाहते हैं, एमएड वगैरह, ये लास्ट टाइम चल रहा है। आप जल्दी से जल्दी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी जल्दी आप अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं ताकि आपके उज्ज्वल भविष्य बन सके इन फ्यूचर। आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद।